हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक और एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल लेने वाला हूं मैं डीके गोयल से, एग्जांपल नंबर 23, डीके गोयल पेज नंबर 4.20। जिन लोगों के पास डीके गोयल है वो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 23 एक बार रीड कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मैंने बुक में से आपके लिए बोर्ड पे अच्छी तरह लिख लिए। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि राम और श्याम दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे थे। अब वो पार्टनर चाहते हैं कि मोहन बिजनेस में एक नए पार्टनर को हम लोग एडमिट कर लें और उसको प्रॉफिट का कितना शेयर दे रहे हैं ये लोग, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी एक नया पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बिजनेस में आ रहा है और वो 1/4 शेयर कैसे ले रहा है ये मैंने आपको केसेस में अच्छी तरह समझाया था। जिन लोगों ने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने रेशो निकालना सिखाया है वो वहाँ जाकर के देखेंगे। मैंने बुक से डिफरेंट तरीके से समझा रखा है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में मैंने आपको अमाउंट से ये निकालना इजीली समझा दिया है। तो यहाँ अगर आपको रेशो निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रेशोज के सारे केस में मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या बताया था मैंने आपको, अगर आप सैक्रिफाई रेशो एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो फिर फॉर्मूला लगाना है कौन सा सैक्रिफाई रेशो का, SON। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे बोलता है विच ही एक्वायर का मतलब क्या है, जो मोहन है वो किस तरह से एक्वायर करता है, 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। यानी यहाँ पे अपनी दादागिरी वापस मैंने आपको समझाया था, नया पार्टनर चला रहा है कि भाई मैं बिजनेस में पार्टनर बनूंगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल भी लाऊंगा, अमाउंट ऑफ गुडविल भी लाऊंगा, लेकिन 1/4 शेयर जो प्रॉफिट का मुझे मिलने वाला है वो मुझे दोनों पार्टनर यानी राम और श्याम से इस पर्टिकुलर रेशो में चाहिए। यानी यहाँ दादागिरी किसकी चल रही है बताओ, नए वाले पार्टनर की। तो किस तरह से मैंने आपको समझाया था कि पहले सैक्रिफाई रेशो कैलकुलेट कर लोगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, न्यू रेशो इजीली निकल जाएगा। लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि मोहन जो है नया पार्टनर वो मैंने आपको समझाया था, एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल और एक अमाउंट ऑफ गुडविल जरूर लेकर के बिजनेस में आता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन में गिवन है कि मोहन जो नया पार्टनर है वो 6 लाख रुपीज़ का तो कैपिटल लाता है और गुडविल का अमाउंट 2,40,000 रुपीज़ लाता है, वो भी किसमें, कैश में। ये केसेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है। फिर आगे क्वेश्चन में और गिवन है कि इस जो गुडविल है बेसिकली जो नया पार्टनर ला रहा है, ये हमने क्या पढ़ा था, जैसे ही नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल का अमाउंट लाएगा उसको लाते ही 1 buy 1 get 1 free, उसको क्या करोगे आप पुराने पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइज रेशो में क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। अब जो गुडविल का अमाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है उसका 1/4 पार्ट वो क्या कर लेंगे, बिजनेस से विड्रॉ करके ले जाएंगे। आगे बोलता है पास जनरल एंट्रीज एंड कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नया पार्टनर क्या ला रहा है बताओ, अमाउंट ऑफ कैपिटल और अमाउंट ऑफ गुडविल, उसकी एंट्री बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि गुडविल जो बेसिकली नया पार्टनर लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड होने वाला होता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं पहले सेक्रीफाइस रेशो पर फोकस करके और न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले आपको फोकस करना है सेक्रीफाइस रेशो पे कि सेक्रीफाइस राम क्या कर रहा है और सेक्रीफाइस श्याम क्या कर रहे हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि नया पार्टनर जो भी बेसिकली प्रॉफिट का पार्ट के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर प्रॉफिट के लिए आ रहा है, वो 1/4 राम से और 1/4 श्याम से, दोनों से नहीं लेने वाला, 1/4 का कुछ पार्ट राम और श्याम से लेने वाला है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 मैं दोनों के सामने लिख दूंगा क्योंकि 1/4 का कुछ पार्ट ये राम से लेगा और 1/4 का कुछ पार्ट किससे लेगा, श्याम से लेगा। तो 1/4 मैंने दोनों के सामने लिख दिया बताओ। अब क्या करना है, कितना पार्ट बोल रहे हैं, विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम। तो ये अपने शेयर का, कौन, नया पार्टनर मोहन अपने शेयर का, यानी उसका शेयर कितना है 1/4, अपने शेयर का 2/3 तो मांग रहा है राम से और 1/3 किससे मांग रहा है, श्याम से। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम है रेशोज़ में वो जाके पुराने वाले वीडियो देखेंगे, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन में वहाँ पे भी पहले आपको बता चुका हूँ। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया, किसके अकॉर्डिंग निकाला है, नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ दादागिरी किसकी चल रही है बताओ, नए पार्टनर की। तो नए पार्टनर का जो शेयर वो मैंने लिखा और 2/3 किससे सेक्रीफाइस करवाया, राम से, और 1/3 किससे सेक्रीफाइस करा, श्याम से। तो सवाल कर लेते हैं कितना आ गया,
2/12 तो राम का आ गया और 1/12 किसका आ गया, श्याम का आ गया। क्या निकल गया बताओ, ये सेक्रीफाइस रेशो निकल गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है एस ओ एन का। तो क्या समझाया था मैंने, एस ओ एन यानी सन। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, सेक्रीफाइस मैंने निकाल लिया तो न्यू रेशो निकल जाएगा। तो बताओ न्यू को इधर ले आता हूँ और एस को मैं इसकी जगह उधर ले आता हूँ। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो और ये न्यू रेशो इधर आ गया है। तो क्या हो गया, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो निकाल लेते हैं न्यू रेशो हम लोग। न्यू रेशो मुझे किस किस के लिए निकालना है बताओ, एक तो निकालना है राम के लिए और एक निकालना है श्याम के लिए। मोहन का तो न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन ही है, बताओ कितना है वो, 1/4। भाई इसका डिनोमिनेशन में क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड रेशो क्या दिख रहा है आप लोगों को, राम और श्याम का 3/टोटल यानी 5, तो किसका है राम का, और 2/5 किसका है श्याम का। ये तो क्या हो गया इसके ओल्ड रेशो, फिर माइनस का साइन लगा लेते हैं। और सेक्रीफाइस रेशो अभी भी मैंने निकाला 2/12 और 1/12, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 12/5 = 60 आ गया। तो एलसीएम आ गया हमारा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 × 3 = कितना हो गया 36, माइनस 5 × 2 = कितना हो गया 10, तो ऊपर कितना रह गया बताओ, 26/60। नेक्स्ट इसका कर लेते हैं, इसका एलसीएम भी कितना दिख रहा है हम लोगों को, 60 मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 2 कितना हो गया 24 माइनस 5 × 1 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया बताओ, 24 − 5 कह दो 19/60। अब हमारा मोहन आ गया, वो कितने पार्ट के लिए, 1/4 पार्ट के लिए। तो इनका एलसीएम सेम है क्या बताओ, नहीं एलसीएम सेम। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं तीनों का सेम करके। तो नया रेशो लिख लेता हूँ मैं इधर, राम श्याम और मोहन का जो नया रेशो आएगा, तो राम का कितना है बताओ 26/60, श्याम का कितना है 19/60 और मोहन का कितना है 1/4। अब क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं, सभी का एलसीएम कितना दिख रहा है बताओ। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया भी था यहाँ पे। एलसीएम क्यों लेंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए बताओ, 15 से डिवाइड कर दूँ और 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 × 4 = 60 होता है, ठीक है। तो नया रेशो क्या आ गया हमारा, 26 × 2 = 19 = 15। तो न्यू रेशो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, राम श्याम और मोहन तीनों के लिए 26 × 2 = 19 = 15। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशो कैलकुलेट हो गया। हम लोग चेक कर लेते हैं कि नया रेशो हमारा ठीक है क्या। तो नया रेशो हमारा 26 × 2 = 19 = 15, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, अब ये न्यू रेशो तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हमें पास करनी है एंट्रीज। और मैंने आपको समझाया था ये एंट्रीज क्लास 11th की तरह है। नया पार्टनर आएगा तो बताओ क्या क्या लेकर आएगा, क्या लिखोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल कौन ला रहा है, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंट्री बेसिक्स कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये कैपिटल क्योंकि नया पार्टनर कौन ला रहा है, मोहन। तो क्या लिख लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। कितना कैपिटल ला रहा है बताओ, 6 lakh rupees। तो कैपिटल का अमाउंट लिख लेता हूँ। फिर समझाया था कि नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल के अलावा अमाउंट ऑफ गुडविल भी लेकर के आएगा, और वो कैश में कितना गुडविल ला रहा है बताओ, 2,40,000। तो क्या लिखोगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मैं आपको पहले अच्छी तरह कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ कि गुडविल के आगे हम लोग प्रीमियम वर्ड क्यों लगाते हैं। कितना ला रहा है बताओ, 2,40,000 rupees। किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है, तो इसमें जाकर ऐड कर दूँ तो 6 और 2 कितना हो गया बताओ, 8,40। तो मैं यहाँ क्या कर लिख देता हूँ, 6 lakh + 2,40,000 rupees कितना हो गया, 8,40,000 rupees हो गया। ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट एंट्री हो गया। मैंने क्या बताया था, जैसे आपने फर्स्ट एंट्री बनाई तो बाय वन गेट वन फ्री। कैपिटल को डिवाइड नहीं करना है ओल्ड पार्टनर, कैपिटल तो नए पार्टनर का, क्योंकि गुडविल जो है बेसिकली वो नया पार्टनर पुराने वाले पार्टनर ने जो सेक्रीफाइस किया है उसके बदले लाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पुराने वाले पार्टनर में ही डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या समझाया था, जिस प्रीमियम फॉर गुडविल का बैलेंस आपको 2,40,000 से क्रेडिट दिख रहा है, उसको मैं अब क्या कर रहा हूँ बताओ, यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से इस गुडविल के अमाउंट को हटा करके और ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर देना है। ओल्ड पार्टनर बताओ कौन कौन है, यहाँ एक तो राम है तो लिखोगे राम्स कैपिटल, और एक कौन है, श्याम है तो लिखोगे श्याम्स कैपिटल। और किस रेशो में करना होता है, ओल्ड रेशो में नहीं करना होता, ध्यान रखना है यहाँ पे हमेशा, किस रेशो में करना होता है, क्योंकि गुडविल का अमाउंट पुराने वाले पार्टनर के सेक्रीफाइस करने की वजह से ही नया पार्टनर बिजनेस में लाता है। तो इस वाले अमाउंट ऑफ गुडविल को, जो कि कितना दिख रहा है आप लोगों को,
240,000 रुपीज दिख रहा है, और किस रेशो में डिवाइड करना होता है, सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो क्वेश्चन में वैसे भी गिवन था कि 2/3 तो सेक्रीफाइस करवा रहा है किससे, राम से, और 1/3 किससे करवा रहा है, शाम से। यानी ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 2/3 तो राम से और 1/3 शाम से सेक्रीफाइस करा रहा है। इसका मतलब मैं इसको ये भी तो बोलता हूँ 2:1 के रेशो में सेक्रीफाइस करवा रहा है, किसका, अपने शेयर का। यानी सेक्रीफाइस रेशो क्या है हमारे पास, 2:1 है। तो मैं इस अमाउंट को क्या कर लेता हूँ, 2:1 में डिवाइड कर लेता हूँ। तो 2,40,000 रुपीज़ को राम और श्याम के अकाउंट से मैं 2/3 और 1/3 से निकाल लेता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना हो गया बताओ, 8 से कैंसिल आउट रहा है, 8 2 16, और ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 1,60,000 रुपीज़, और ये कितना हो गया 80,000 रुपीज़। तो ये आ गया 1,60,000 रुपीज़ एंड 80,000 रुपीज़, इसका टोटल भी कितना हो गया अपने आप 2,40,000 रुपीज़। तो हमारे पास नया पार्टनर क्या क्या लेके आया बताओ, एक नया पार्टनर लेके आया अमाउंट ऑफ गुडविल, जिसका की अमाउंट कितना है हमारे पास 2,00,000, जिसका की अमाउंट है हमारे पास 8,40,000 रुपीज, में से टोटल अमाउंट 6,00,000 का तो आ रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल, और 2,40,000 का क्या ला रहा है वो अमाउंट ऑफ गुडविल। तो दोनों अमाउंट कैश में ला रहा है, तो दोनों को मैंने कैश में ऐड कर दिया। फिर गुडविल के अमाउंट को लाते ही बाय वन गेट वन फ्री से क्या कर देंगे हम लोग, दोनों पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंट्री तभी बनानी है जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो। क्या बोलना चाह रहा है कि 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप जाके अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोला कि जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल पुराने वाले पार्टनर के अकाउंट में चला गया है, किस रेशो में गया ये तो पता है, सेक्रीफाइस रेशो, उस अमाउंट ऑफ गुडविल के 1/4 पार्ट को ये क्या करना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था अगर नया पार्टनर या पुराने पार्टनर कोई भी कैपिटल लाते हैं तो एंट्री क्या बनती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये बोल रहा है 1/4 अमाउंट विड्रॉ करना है जो इनके कैपिटल में चला गया, कितना अमाउंट बोल रहा है, पूरा नहीं बोल रहा है, 1/4। तो विड्रॉ करने के पहले एंट्री बना लूँ, फिर 1/4 पार्ट निकाल लूंगा विड्रॉ करने के लिए इन दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का अमाउंट किस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, नया पार्टनर तो लाया है, और पुराने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हुआ है सेक्रीफाइस रेशो में। तो क्या कर लेते, राम और श्याम के कैपिटल अकाउंट जो आपको पहले सीआर दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे वो अमाउंट क्या करना है बताओ, विड्रॉ करना है, कहां से, उनके कैपिटल अकाउंट से। तो क्या करूंगा, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को पहले जो सीआर दिख रहा था उसको मैंने डीआर कर लिया, और पूरे अमाउंट से नहीं करना है, वो बोला 1/4 यानी 1/4 निकालूं इसका, तो बताओ कितना आएगा 1/4, 4 4 16, तो कितना आ गया 40,000 रुपीज। तो ये विड्रॉल कर रहा है, पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, सिर्फ 1/4, इसका भी 1/4 निकालो, 4 2 8 कितना आ गया 20,000 रुपीज। विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री होती है बताओ, इसके अपोजिट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल की एंट्री क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना अमाउंट हो गया 40 2 20, 60,000 रुपीज। इस तरह से हम लोगों ने पहले रेशो निकाल लिया, रेशो में मैंने आपको बताया था पहले सेक्रीफाइस रेशो फोकस करना है, उसके बाद SON का फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सी एंट्री बनानी, दो, एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लाना है, एक अमाउंट ऑफ गुडविल लाना है, दोनों अमाउंट को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल तो किसका है, नए वाले पार्टनर, लेकिन गुडविल जो है बेसिकली वो नया वाला पार्टनर, पुराने वाले पार्टनर ने जो कंपनसेशन देना है उसके बदले ला रहा है। तो इस वाले अमाउंट को क्या करोगे, बाय वन गेट वन फ्री, इसके बारे में क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आपको 2,40,000 रुपीज को ओल्ड पार्टनर्स में पहले, लेकिन सेक्रीफाइस रेशो निकालने के बाद ही सेक्रीफाइस रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अगर गिवन है तभी हमारे पास ये थर्ड वाली एंट्री क्वेश्चन में बनानी है, यानी अमाउंट विदड्रॉ करने हैं, अदरवाइज ये बिजनेस में क्या रह जाती है, रिटेन रह जाती है। पर क्वेश्चन में लिखा था कि पुराने वाले जो पार्टनर है उस अमाउंट ऑफ गुडविल के 1/4 पार्ट को बिजनेस से विदड्रॉ करके ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो पे फोकस करना है, और सिंपल सी जो एंट्री हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी थी वो पास करनी है तो हमारा क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि मैं लेने वाला हूँ CBSE बोर्ड के 2019 के क्वेश्चंस। चलो मिलते हैं हम और अपनी क्लास में।